हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू कॉन्कर आईएएस एंड पीसीएस। टुडेज कोट: डोंट वरी अबाउट फेलियर्स, वरी अबाउट द चांसेस यू मिस व्हेन यू डोंट इवन ट्राई। अब मैं आपको अपडेट कर दूं, जो मेरे एचपी जीके के लेक्चर्स हैं वो रहेंगे मंडे, वेनसडे और फ्राइडे, और जो आपके रिमेनिंग डेज हैं ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे, उसमें आपके एचपी पीवाई क्यूज के लेक्चर आएंगे जिस पे सर्व वर्क कर रहे हैं, और आपके नेक्स्ट वीक से वो लेक्चर शुरू हो जाएंगे। वी विल अपडेट यू ऑल द डिटेल्स इन अवर चैनल कॉन्कर आईएएस एंड पीसीएस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियोस। तो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे एचपी जर्नल एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ एचपी। आज हम कवर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ एचपी। तो शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ एचपी से। 15 अगस्त 1947 में जो ठियोग रियासत थी आपकी, वो फर्स्ट ऐड हुई थी एचपी में। जो राजा थे ठियोग के, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे हमारे सूरत प्रकाश और एडवाइसरी थे डॉक्टर वाई एस परमार। 26 जनवरी 1948 में एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर था शिमला और जिसके प्रेसिडेंट थे पंडित शिवानंद रुमार। 26 जनवरी 1948 to 28 जनवरी 1948 में हमारा सोलन कंस्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, जिसके चेयरमैन थे राजा दुर्गा सिंह, भगत के राजा थे वो। अब हमारे 18 फरवरी 1948 में सुखेत सत्याग्रह हुआ था सिरमौर में, जो प्रिजाइड किया था पंडित पदम देव ने। अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू होता है कि 15 अप्रैल 1948 में जो हमारा हिमाचल था वो मर्ज हुआ था 26 शिमला हिल स्टेट से और 4 पंजाब हिल स्टेट से, जिससे एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनी थी, जो रही थी 1948 to 51, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुई थी, चंबा, महासू, मंडी एंड सिरमौर। मैं रिपीट कर दूं, 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल में 26 शिमला हिल स्टेट और 4 पंजाब हिल स्टेट मर्ज होके एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनी थी, जिसमें चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर 4 डिस्ट्रिक्ट बनी थी, जिसका एरिया था 27169 किलोमीटर स्क्वायर, पॉपुलेशन 9,35,000। जो हमारी चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी, उसके फर्स्ट कमिश्नर थे एनसी मेहता और डिप्टी कमिश्नर थे मिस्टर ई पेनरल मून, जिसको रिप्लेस करके भगवान सहाय को बना दिया गया था आफ्टर सम टाइम। 1950 में अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनक्लेव ऑर्डर, यूपी की जो आपकी 2 विलेजेस थे संघोग और बहादुर, उसको इंक्लूड किया गया था जुब्बल तहसील में। यूपी की 2 विलेजेस संघोग, आपसे ये पूछा जा सकता है संघोग कौन कौन से 2 विलेजेस संघोग एंड बहादुर इंक्लूड किए गए थे जुब्बल तहसील में। जबरोट जो पेप्सू का एरिया था, पेप्सू है आपका पंजाब एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जो रही थी 1948 to 56, जिसमें 6 प्रोविंशियल स्टेट्स थी, डिस्ट्रिक्ट्स थे, और इसका जो आपका कैपिटल थी इसकी पेप्सू की, वो थी पटियाला। इसमें जो चबरोट था वो तहसील, जो चबरोट एरिया था वो कसुमटी में तहसील में मर्ज किया गया। इन एक्सचेंज ऑफ दिस 7 विलेजेस ऑफ कसुमटी वर एडेड इन पंजाब। अब हमारा 1951 में जो एचपी था उसको सी स्टेट बना दिया गया अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर और एंड ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। चीफ कमिश्नर प्रोविंस एंड हुआ और हमारा जो एचपी है वो सी स्टेट बन गया। जो हमारा चीफ कमिश्नर प्रोविंस कब से रहा था, 1948 to 51, जो एंड हुआ 1952 मार्च में। इसके फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मिस्टर जनरल एम एस हेमंत सिंह, और आपका 24 मार्च 1948 में फर्स्ट सीएम अपॉइंट किए गए डॉक्टर वाई एस परमार।
अब मैं फिर से रिपीट कर दूं, 1948 to 51 आपकी जो एचपी था वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, और 51 to 56 आपका एचपी बन गया सी स्टेट, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आ गया। अब हमारा 26 जनवरी 1952 में विधानसभा एस्टेब्लिश हुई, जिसमें 36 सीट्स थी। अब आपसे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1951 to 58 विधानसभा की कितनी सीट्स में कितनी नॉमिनेटेड सीट्स थी, दो नॉमिनेटेड सीट्स थी। अब 36 सीट्स में से 26 24 सीट्स कांग्रेस ने जीती थी, जिसको जिसके मिनिस्ट्री को हेड किया गया था डॉक्टर वाईएस परमार से। अब जो आपके इलेक्शंस हुए थे ऑल ओवर इंडिया, उसमें फर्स्ट जो पर्सन थे, जो वोटर थे जिन्होंने फर्स्ट वोट किया था, वो थे श्याम सरन सिंह, जो थे कल्पा से। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो पर्सन भी कौन सा, जो पर्सन था वो कहाँ का था, कल्पा का था। मैं रिपीट कर दूं, 26 मार्च 1952 में विधानसभा एस्टेब्लिश हुई थी, जिसकी 36 सीट थी और दो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे 36 में से, और जो कांग्रेस थी उसकी 24 सीटें जीती थी उन्होंने, और जो श्याम सरन सिंह कल्पा के थे वो फर्स्ट वोटर थे जिन्होंने वोट किया था ऑल ओवर इंडिया। और जो विधानसभा के हमारे फर्स्ट स्पीकर थे वो थे पंडित जयवंत राम लेजिस्लेटिव असेंबली के, KL मेहता फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किए गए। अब हमारी 1 जुलाई 1954 में जो नेबर सी स्टेट थी बिलासपुर, उसको मर्ज कर दिया गया एचपी में, जो फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट बन गई एचपी की। पहली हमारी चार डिस्ट्रिक्ट कौन थी, महासू, सिरमौर, यहां मैं आपको बता दूं ये थे महासू, सिरमौर, मंडी एंड चंबा। और फिफ्थ स्टेट कौन सी आ गई आपकी, डिस्ट्रिक्ट कौन सी आ गई, बिलासपुर, जिसकी दो तहसील थी बिलासपुर घुमारवी। एरिया था 1068 बिलासपुर का किलोमीटर स्क्वायर, तो टोटल एरिया एचपी का कितना हो गया, 2716, पहले था 1068 ऐड हो गया तो हो गया 28237। विधानसभा की जो सीट्स थी जब बिलासपुर ऐड हुआ एचपी में, तो इंक्रीज होगी 36 to 41। 1956 में अ स्टेट रीऑर्गेनाइज कमेटी फॉर्म की गई, हेडेड बाय जस्टिस मिस्टर फैजल अली, जिसके साथ दो मेंबर्स और थे एच एन हुंजरू और के एम पनीगल। फर्स्ट नंबर वन 1956 में एचपी कॉन्टिन्यूड एज यूनियन टेरिटरी। अब आपका 1948 to 51 आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी, 51 to 56 आपकी सी स्टेट थी, 56 में आपकी 56 to 71 आपकी एचपी बन गई यूनियन टेरिटरी। तो जो एंड हुई 25 जनवरी 1971 को, तो जो आपका यूनियन टेरिटरीज के लिए टेरिटोरियल काउंसिल एस्टेब्लिश की गई, ये क्यों एस्टेब्लिश की गई, यूनियन टेरिटरी टू प्रोवाइड डेमोक्रेटिक लुक टू गवर्नमेंट। और जो ये टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट था वो पास किया गया 1956 में, जिसकी वजह से एचपी में भी टेरिटोरियल काउंसिल एस्टेब्लिश की गई, जिसके चेयरमैन थे ठाकुर करम सिंह। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टेरिटोरियल काउंसिल के जो आपके चेयरमैन थे वो कौन थे, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वो कहाँ के थे, चचियोट मंडी के थे वो। मैं रिपीट कर दूं कि टेरिटोरियल काउंसिल एस्टेब्लिश की गई, जिसके चेयरमैन थे ठाकुर करम सिंह, और वो कहाँ गए थे, चचियोट मंडी के। और मैं यहाँ फिर से रिपीट कर दूं, 58 to 51 आपकी एचपी थी चीफ कमिश्नर प्रोविंस, 51 to 56 थी हमारी सी स्टेट, और 56 to 71 आपकी यूटी बन गई एचपी। 1 मई 1961 में जो किन्नौर थी वो क्रेव्ड आउट की गई चीनी तहसील महासू से, और 14 विलेजेस ऐड किए गए रामपुर तहसील के, जिसकी वजह से हमारी जो किन्नौर 6 डिस्ट्रिक्ट बन गई एचपी की। अब आपकी जो 1963 में जो टेरिटोरियल काउंसिल एस्टेब्लिश की गई थी, जिसके चेयरमैन ठाकुर करम सिंह थे, जो चचियोट मंडी के थे, वो जो आपकी ये काउंसिल थी वो लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट हो गई। तो जो इसमें था, इसमें जो द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 एक्ट पास किया गया, जो आपका जो टेरिटोरियल काउंसिल थी उसकी जगह यूटीज में लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई। फिर आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओके अब आपके दिसंबर
1964 में एचपी हिमाचल प्रदेश यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सेटअप की गई। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इसलिए सेटअप की गई थी टू स्टडी द इकोनॉमी एंड प्रोमोटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। जो इसकी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन थी उसको हेड किया गया था मुनारजी देसाई ने। देन 7 दिसंबर 1968 में क्या हुआ कि जो आपका सिविल और जो पुलिस कैडर था उसको सेपरेट किया गया। दिल्ली हिमाचल प्रदेश अंडमान निकोबार कैडर एस्टेब्लिश किया गया। 1 नवंबर 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब स्टेट का शुरू हो गया, जिसमें जो हिल स्टेट्स थी हमारी पंजाब की वो ट्रांसफर कर दी गई एचपी में। तो हमारी उसके बाद चार हिल स्टेट जो हिल स्टेट्स ट्रांसफर हुई एचपी में, उसकी वजह से चार डिस्ट्रिक्ट्स और बनी, जो बनी कांगड़ा, कुल्लू, शिमला एंड लाहौल स्पीति। कांगड़ा में एरिया था कांगड़ा, पालमपुर, नूरपुर, देहरा, गोपीपुर, हमीरपुर, ऊना तहसील। ऊना तहसील थी आपकी होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में पहले पंजाब के, और जो पठानकोट तहसील थी वो गुरदासपुर में था। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कुल्लू तहसील, और जो बंजार, आनी और निर्मल था उसको सब तहसील बनाया गया। शिमला में ऐड किया गया शिमला, कंडागार, नालागढ़। जो नालागढ़ था आपका वो अंबाला का पार्ट था पंजाब में। लाहौल स्पीति में लाहौल एंड स्पीति तहसील। अब बिफोर 1966 आपकी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? 6, किन्नौर, बिलासपुर, चंबा, महासू, मंडी एंड सिरमौर, जो चार डिस्ट्रिक्ट थे। फिर छह थी, फिर चार और ऐड हो गई, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति, जिससे 10 डिस्ट्रिक्ट बन गए हिमाचल में। इसकी वजह से आपका एरिया इंक्रीज हो गया 106% और जो पॉपुलेशन 108% इंक्रीज होगी। जो एरिया बन गया आपका 55673 किलोमीटर स्क्वेयर, और विधानसभा की जो आपकी सीट थी वो इंक्रीज हो गई 56 to 63, और इसके नॉमिनेटेड मेंबर्स फिर इंक्रीज हो गए 2-3। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1966 में आपके विधानसभा के कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स थे? 3। अब आपका 25 जनवरी 1971 में हिमाचल को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया, जिसकी वजह से आपकी हिमाचल है वो 18th स्टेट ऑफ इंडिया बनी बाय इंदिरा गांधी, जिसके फर्स्ट गवर्नर कौन रहे? एस चक्रवर्ती। 1 सितंबर 1972 में कांगड़ा, महासू और शिमला का डिस्ट्रिक्ट का रीऑर्गेनाइज हुए, जिसमें से जो कांगड़ा है, कांगड़ा में हमीरपुर और ऊना था ना, जो ऊना आपका किसका पार्ट था पहले पंजाब में? होशियारपुर का। वो आपका दो डिस्ट्रिक्ट्स अलग बन गई और 10 to 12 होगी। और जो आपका महासू और शिमला था वो रीऑर्गेनाइज होके सोलन और शिमला बना। यहां मैं आपको बता दूं जो आपकी अब की जो विधानसभा है उसमें विधानसभा है वो फर्स्ट स्टेट है जो पेपरलेस, अब जो करंट में जो हिमाचल की विधानसभा है वो फर्स्ट स्टेट है हिमाचल की जिसमें लॉन्च किया गया पेपरलेस लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। देन 13 मई 1986 में एचपी के 3 मेन हेडक्वार्टर्स बने, शिमला, मंडी, कांगड़ा। शिमला और इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं? शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर। मंडी में आता है मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर एंड लाहौल स्पीति। और आपके कांगड़ा में आते हैं ऊना, कांगड़ा एंड चंबा। टोटल सीट्स हैं जो आपकी पार्लियामेंट में वो है 7, लोकसभा की है 4 और राज्यसभा की है 3। आपकी जो लोकसभा की 4 सीटें वो कहाँ से है? शिमला, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा से। जो आपकी हमीरपुर की सीट से है अनुराग ठाकुर जी, कांगड़ा से है डॉक्टर राजन सुशांत, और आपके मंडी से है प्रतिभा सिंह, और जो आपके शिमला से है श्री वीरेंद्र कश्यप। जो आपके 4 सीट्स में है उसमें जो 3 सीटें हैं बीजेपी की और 1 सीट है कांग्रेस की। जो 1 सीट कांग्रेस की है वो है आपकी मंडी से, जो के हैं प्रतिभा सिंह। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो आपकी 1 सीट है लोकसभा की वो है मंडी से कांग्रेस की, जो की है प्रतिभा सिंह। और आपके करंट
विधानसभा के स्पीकर हैं विपिन सिंह परमार, और जो आप इनके डिप्टी स्पीकर हैं वो है हंस राज। अब इसमें आपको थोड़ा सा मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। 24 मार्च 1952 में YS परमार बिकेम द फर्स्ट सीएम ऑफ एचपी अलोंग विद 3 मेंबर्स ऑफ मिनिस्ट्री। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन थे? के एल मेहता। फर्स्ट गवर्नर जी एस चक्रवर्ती। फर्स्ट लेडी गवर्नर शीला कौर। फर्स्ट लोकसभा मेंबर हु बिकेम हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर मंडी। आप अब गूगल सर्च करेंगे, फर्स्ट गवर्नर तो मैंने बता दिया एस चक्रवर्ती। आप अब खुद सर्च करेंगे कि इस टाइम करंट गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश का। ये लेक्चर फिनिश होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ हिस्ट्री। हम ओवरव्यू ले लें इसका, जिसमें हमने बताया कि आपका यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई, सोलन कंस्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, और उसके बाद आपका सूखे सत्याग्रह हुआ था सिरमौर में 15 अप्रैल 1948 में। आपके हिमाचल में 26 शिमला की हिल स्टेट्स और 4 पंजाब की हिल स्टेट्स मर्ज होके चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनी थी, जो थी चंबा महासू मंडी एंड सिरमौर 1948 to 51 रही थी। और उसके बाद 50 50 में आपका यूपी के 2 विलेजेस ऐड हुए थे जुब्बल में, और आपके पेप्सू का 1 विलेज ऐड हुआ था कसुमती में, जिसके एक्सचेंज में 7 विलेजेस कसुमती को पंजाब को देने पड़े। 51 में आपकी सी स्टेट बनी थी एचपी, और आपके 24 मार्च 1952 में आपके फर्स्ट सीएम बने थे डॉक्टर वाईएस परमार। 26 जनवरी 1952 में आपकी विधानसभा एस्टेब्लिश हुई थी, जिसमें 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स और 36 सीट थी। 1 जुलाई 1954 में आपका बिलासपुर सी स्टेट बना था, सी स्टेट था जो एचपी में मर्ज हो गया था और फिर डिस्ट्रिक्ट बना था। आपकी 56 में कमेटी कमेटी फॉर्म हुई थी, जिसमें स्टेट रिओर्गेनाइज कमेटी फॉर्म हुई थी। 56 में 1 नवंबर 56 में एचपी आपकी यूनियन टेरिटरी बन गई थी। 60 में आपका किन्नौर 6 डिस्ट्रिक्ट बन गया था एचपी का, जो चीनी और तहसील महासू से और 14 विलेज ऑफ रामपुर तहसील को ऐड करके आपका किन्नौर बना था। उसके बाद आपका 1 नवंबर 1966 में पंजाब रिओर्गेनाइज हुआ था, जिसमें हिल स्टेट्स आपके एचपी में आ गए थे, जो थे कांगड़ा कुल्लू शिमला एंड लाहौल स्पीति। इसके बाद आपके 10 डिस्ट्रिक्ट बन गए थे हिमाचल में, और आपकी जो विधानसभा की सीट्स भी इंक्रीज हुई थी 63 में, और आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स भी 3 हो गए थे, पहले 2 थे। और आपका 25 जनवरी 1971 में एचपी को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया, जिसके फर्स्ट गवर्नर एस चक्रवर्ती थे। 1972 में आपका कांगड़ा महासू शिमला रिओर्गेनाइज हुआ था, कांगड़ा से निकल के आया था हमीरपुर और उन्ना, जिससे 2 डिस्ट्रिक्ट नई बन गई थी, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट हमारे हिमाचल में अब 12 है। महासू और शिमला रिओर्गेनाइज हुआ था सोलन और शिमला में। उसके बाद आपके 3 हेडक्वार्टर्स बने थे, शिमला मंडी एंड किन्नौर, और आपके करंट पार्लियामेंट में 7 सीट्स हैं टोटल, लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 3। नाउ दैट्स ऑल। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल में से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एचपी गॉट राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ए 1952, बी 1957, सी 1962 और 1967। फर्स्ट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, मैंने आपको बताया था 1962 में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डिड द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ विधानसभा इंक्रीजेस फ्रॉम 36 to 41। 41 कब हुआ था? जब आपका बिलासपुर ऐड हुआ था हिमाचल में। कब हुआ था ये? फर्स्ट चॉइस है 1971, बी 1967, सी 1963 और डी 1954। इसका आंसर है डी 1954। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वोट इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया इन 1951 to 52। श्याम सरन नेगी ऑफ कल्पा, सत्यदेव मुशहरी ऑफ रामपुर सॉरी रोहड़ू, बगमुल
सुथा ऑफ जुब्बल, अनंत चंद ऑफ बिलासपुर। इसका आंसर है ए, श्याम सरन नेगी ऑफ कल्पा। बिसाइड चीनी ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट, हाउ मेनी विलेजेस ऑफ रामपुर तहसील वर ट्रांसफर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन 1960? ए 14, बी 18, सी 22 एंड डी 26। दिस आंसर इज ए 14। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा 1952? ये आपका एनटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ए कृष्णचंद, बी कृष्ण मोहिनी, सी देशराज महाजन, डी जयवंत राम। डी आंसर, इस आंसर इज डी जयवंत राम, फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज चीफ कमिश्नर रिप्लेस्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर इन एचपी? ए नवंबर 1951, बी मार्च 1952, सी अक्टूबर 1952, डी 1952। ये आपका क्वेश्चन एनटी 2014 में पूछा गया है। इसका आंसर है बी मार्च 1952। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट एंड द ओनली चेयरमैन ऑफ एचपी टेरिटोरियल काउंसिल? एनटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए ठाकुर करम सिंह, बी वाईएस परमार, सी ठाकुर रामलाल, डी पंडित गौरी प्रसाद। इसका आंसर है ठाकुर करम सिंह। अलाइट 2016 में पूछा गया है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, चट्टियोट मंडी। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एचपी, एचपी अलाइट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, हेमंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट चीफ कमीशन सेक्रेटरी ऑफ एचपी अलाइट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, केएल मेहता। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन 15 अप्रैल 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंशियल स्टेट वर मर्ज्ड इन एचपी विदाउट अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज? ए चंबा एंड मंडी, बी मंडी एंड सुकेत, सी महासू एंड मंडी, डी सिरमौर एंड चंबा। इट्स आंसर इज सिरमौर एंड चंबा, इसको अल्टरनी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया अलाइव 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर वाज एचपी टेरिटोरियल काउंसिल कन्वर्टेड इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली अलाइव 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, 1963, जिसमें आपकी यूनियन टेरिटरीज को टेरिटोरियल काउंसिल, जो यूनियन टेरिटरीज थी उसमें टेरिटोरियल काउंसिल बनी थी, लेकिन आपका गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट 1963 में एक्ट पास हुआ था जिसमें टेरिटोरियल काउंसिल्स को कन्वर्ट कर दिया गया था लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, यूटीज में 1963। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन एचपी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1967 अलाइड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, नॉमिनेटिव मेंबर्स कितने थे, तीन, कौन थे, श्री नंदलाल, सूरत सिंह वेद एंड ब्रह्मानंद। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द फर्स्ट एच हिमाचल विधानसभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1951-52 अलाइड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ए 2, बी 3, सी 11, डी 12। इट्स आंसर इज बी 2। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने कवर किया एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल। आई होप यू लाइक इट। स्टडी कीजिए, इंजॉय करके पढ़ते रहिए। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर लिसनिंग।